ठीक है जी, वैसे इसका सही नाम है फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट। सर इस एरिया से कंफर्म तकरीबन 10 मार्क्स का सवाल आता है, ठीक है जी, और ये एरिया है काफी बड़ा, तकरीबन 15 के करीब क्लासेस हमारी लगेंगी इसके अंदर, लेकिन इससे कंफर्म क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का, सॉरी 10 10 नंबर तक का, ठीक है जी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है पहले बता तो दें किस चीज का भाई। आज फर्स्ट क्लास है उन लोगों की जिनका ये रिफ्रेशर बैच है, रीसेंट बैच है, जो रेगुलर बैच है उनकी ये उनका ये जो है वो रूटीन क्लास है। टॉपिक नया, अच्छा शुरू में हमने जो है वो ऑलरेडी दो छोटे चैप्टर हमने कवर किए हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और हमने कवर किया वर्किंग कैपिटल, और हमने जो है वो साथ में वैक कवर कर लिया है। और जो बच्चा आज ज्वाइन कर रहा है वो आज से आराम से जो है वो आगे क्लासेस ले सकता है, उसको प्रायर नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो पीछे जो है वो हमने दो छोटे चैप्टर और एक रीजनेबल सा चैप्टर हमने कवर किया है, उसके लेक्चर जो है वो उसने उन्होंने लेने हैं, और वो लेक्चर मैं रिकमेंड करूंगा कि प्रीमियम लेक्चर्स ले लेना, ठीक है जी। और प्रीमियम लेक्चर में उनको टोटल जो है वो सारी चीज़ें मिला के कोई 18 घंटे के करीब का टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो वो बैठ के ले लो, कोई मसले वाली बात नहीं है, बिल्कुल सीधे सीधे चैप्टर्स हैं, पेपर को सिलेबस को डिस्कस कर लें। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा ना एक एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा आपसे डिस्कस कर लूं मैं। हमारे पास यार मेरे बच्चों मैनेजमेंट रिप्लाई नहीं दे रही है, आप यकीन करो मैनेजमेंट का पट्टा बैठ गया है, बेचारे रात 2 बजे तक काम करते रहे, एक 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 मोबाइल नंबर पे 800-800 मैसेजेस लगे हैं, ठीक है ना। अनप्रेसिडेंटेड अनप्रेसिडेंटेड किस्म का रश आया हुआ है, वो मैनेज ही नहीं हो रहा है। ये हमारी अल्लाह से दुआ है इतना रश हो कि हम मैनेज भी कर पाए। अच्छा जी, कल आई थी आपने ना किताब अपलोड की एक्सीडेंटली, उसमें उसका चैप्टर नहीं था, बजटिंग का चैप्टर नहीं था, तो बच्चों के मेरे पास लाइन से मैसेज आने शुरू हो गए, ये क्या बजटिंग निकाल दिया कोर्स से, ये कैसे हो गया, और ये तो बताएं चलेगा कैसे। तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, बजटिंग उन्होंने कोर्स से निकाला नहीं है, गलती ये हुई थी कि जो किताब अपलोड हो गई थी गलती से उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, ठीक है जी, बहुत सारी चेंजेस नहीं थी। तो फिर खैर बहुत सारे लोगों ने जो है वो अप्रोच किया आई कैप को, मैंने भी अप्रोच किया, और मैंने उनको फिर याद दिलाया कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो चेंज करने लायक है, ठीक है जी। तो जिन्होंने एमएफए पढ़ा हुआ है पहले, ये उनके सामने कुछ चेंजेस हैं जो अच्छा ये चेंज करवाने के लिए ना कमेटी बनी थी जिसमें मैं था, एक साजिद कबाड़िया था, और एक जो है वो लाहौर से पैक का टीचर था, ठीक है। हम तीन लोगों ने ये चीज़ें रिकमेंड की थी, और आई कैप ने उसको अनक्वेश्चन्ड वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली थी कि कोर्स में चीज़ें चेंज होनी चाहिए। पहले चैप्टर में हमारे पास रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान था, भुट्टो ने ये किया, जरदारी ने वो किया, बेनज़ीर ने ये किया, नवाज शरीफ ने आके फिर वो किया, और इमरान खान ने वो किया जो किसी ने नहीं किया, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें निकाल दी उन्होंने, स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट होती थी बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर, ये निकाल दिया उन्होंने। आईटी कंट्रोल्स में आईटी कंट्रोल्स पूरा हटना है, उसकी जगह एक एक पेज का एक वो डॉक्यूमेंट आएगा, ठीक है जी, जिसमें लिखा होगा कि आईटी से बिजनेस की इफेक्टिवनेस कैसे चेंज होती है, ठीक है जी। तो ये रिप्लेस होना है। कोविड एक वो था सर, आईटी कंट्रोल्स का जो है वो फ्रेमवर्क था वो निकल गया है।
डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज में चैप्टर में शुरू के 3 पेज काम के हैं, बाकी आगे की सारी जो वो थी कि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज ने टेक्सटाइल पे क्या असर डाला, एजुकेशन पे क्या असर डाला, इस पे क्या असर डाला, उस पे क्या असर डाला, फैशन इंडस्ट्री पे क्या असर डाला, ये सारा निकाल दिया है। ठीक है जी। फिर उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक टॉपिक था, वो निकाल दिया गया है। ठीक है जी। स्टेटिस्टिक्स का पूरा चैप्टर निकाल दिया गया है। और रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ISO 31000 ये निकाल के लर्निंग्स में डाल दिया गया है। ठीक है जी। और ये एग्जामिनेबल नहीं होगा। ठीक है जी। इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस ये, ठीक है जी, तो ये भी किताब में डलेगा। इनडायरेक्ट कोर्स फॉरेन करेंसी में थे, वो एलिमिनेट हो गए हैं। ठीक है जी। फोरकास्टिंग एक बजटिंग के चैप्टर का टॉपिक था, अल्हम्दुलिल्लाह वो एलिमिनेट हो गया है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में पे बैक पीरियड ऐड हुआ है। ठीक है जी। और मैं लोगों को देख रहा हूँ, डिफरेंट असाज़ा को, वो कह रहे हैं जी कोई चेंज ही नहीं है सिलेबस में। तो ये हमारी खाला के घर में डेवलप हुआ था ये, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। ठीक है जी भाई, है चेंज, ऐसा नहीं है कि नहीं है चेंज, ये सारी चेंजेस है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये मैंने डिस्कस कर लिया जो चेंजेस हैं। सर मैंने कल ही बुक ली है, मतलब चेंज होगी? कौन सी बुक ली है कल? आई क्या आपकी किताब अभी ना डाउनलोड करना ना कुछ करना, 3 दिन बाद आई क्या किताब डाउनलोड करना। ठीक है जी। क्योंकि आई क्या आपको है, मेरी किताब तो फाइनल है ना, क्योंकि ये चेंजेस तो हमें पता थी ना कि होनी क्या है, हमने तो पहले ही उसको डाल दिया था। चलो जी, बोर्ड पे सारी चीजें छोड़ दो, लास्ट अटेम्प्ट वाली किताब यूज कर सकते हैं, इसके बारे में एंड में हम डिस्कस करेंगे। हम अपना पहले टॉपिक पे आ जाए। और सुनना दोस्त, सुनो मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। सर मिसाल देता हूं सर, एक छोटी सी एग्जांपल हम लेके चलते हैं। मिसाल के तौर पर सर ये है मेरी खाला, ठीक है जी, और मेरी खाला ने सर मुझे, मेरी खाला रहती है यूके में, ठीक है जी, इसलिए मैं खाला को याद रखा हूं। यूके से खाला ने मुझे भेजे 5000 GBP। ये GBP क्या है सर? ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जिसको आप जो है वो पाउंड स्टर्लिंग्स भी कहते हैं। 5000 पाउंड खाला ने भेजे मुझे, ठीक है जी। तो मैं गया सर एक डीलर के पास। किसके पास? एक डीलर के पास। डीलर कौन है? जो फॉरेन करेंसी बेचता खरीदता। अब मैंने कहा मैं पाउंड तो फ्रूट वाले को नहीं दूंगा ना, मैं पाउंड किसी जगह रेंट पे तो नहीं दे सकता, मुझे इसको पहले कन्वर्ट करना है किसमें, रुपीस में। तो डीलर ने कहा प्यारे भाई, हम डीलर के पास गए, हमने कहा जी हमें ये GBP बेचने हैं। क्या करने? बेचने। तो डीलर ये खड़ा हुआ है, डीलर ने कहा इसका मतलब है मुझे GBP खरीदने। मैंने कहा ऐसे ही समझ लो। नहीं ऐसे नहीं समझ लो, सारी चीजें मार्केट में मेरे हिसाब से चलती है। मेरे हिसाब से का मतलब डीलर के हिसाब से। डीलर ने कहा मैं आपसे GBP खरीदूंगा, ये दिमाग में रखना, आप ऐसे नहीं सोचें कि आपने बेचना है। मैंने कहा बात तो एक ही, उसने कहा बात एक ही है, लेकिन मार्केट में डीलिंग होती है किसके हिसाब से? डीलर के हिसाब से। तो इस ट्रांजेक्शन में हम बेचेंगे और डीलर खरीदेगा। डीलर ने कहा जी हमारे पास रेट है 305 और 310 पर GBP। मैंने डीलर से पूछा ये दो दो रेट क्यों हैं, थोड़े नोट फटे हुए होंगे तो 305 दोगे और नोट अगर कड़क होंगे तो 310 दोगे। उसने कहा बेवकूफ आदमी, इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि पहले समझ लो चीज। डीलर ने कहा जनाब मैं GBP 305 रुपए में खरीदता हूं। मैं कौन? डीलर। और अगर कोई मुझसे GBP खरीदने आता है ना तो मैं उसको 310 रुपए में बेचता हूं। अब बता तुम GBP खरीदने के लिए आयो तो 310 में मिलेगा, और अगर बेचने के लिए आयो तो 305 में मिलेगा। तो हमने डीलर को कहा ये तो बेईमानी है, ये तो गलत बात है, तुम अगर खरीदो तो सस्ता खरीदो, बेचो तो महंगा खरीदो। तो डीलर ने दुकान में से अपने 2 बच्चे निकाले और कहा ये मट्टी नहीं खाते, मैं भी बच्चों के लिए कमाने बैठा हूं। तो डीलर कमाता कैसे? GBP सस्ता खरीदता और महंगा बेचता है, ऐसा। अब मुझे एक बात बताएं, मैं 5000 GBP बेचने आया हूं,
मेरे हिसाब से मार्केट नहीं चलती, मार्केट किसके हिसाब से चलती है? डीलर के हिसाब से। क्या डीलर इस ट्रांजेक्शन में जीबीपी खरीदेगा या बेचेगा? खरीदेगा। तो सर डीलर हमेशा खरीदता है छोटे रेट पे, इसमें छोटे रेट पे, ये डीलर का बाइंग रेट होता है। और डीलर हमेशा क्या करता है, महंगे रेट पे डॉलर को या जीबीपी को हमें देता है, बेचता है। तो मुझे मेरे बच्चों एक बात बताओ, इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में डीलर खरीद रहा है या बेच रहा है? खरीद रहा है। तो डीलर हमें कितना पैसे देगा? 305 रुपए, ऐसा। अब और तो सुनो, अब मैंने डीलर को कहा मुझे पैसे कितने मिलेंगे, डीलर ने कहा यह है 5000 जीबीपी, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ₹305 per GBP, इससे क्या होगा, GBP कैंसिल हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा रेट किसमें, रुपीज में। कितने में देखो जरा, 1,52,500, 1,52,500 रुपीज बच गए थे उससे हमें पे कर दिया, ऐसा। एक जीरो और भी है माशाल्लाह, मतलब खाला ने टाइट माल भेज दिया हमें, ये सुनने के बाद हमने खाला को बहुत दुआएं दी। कितना जी, 1,5, माशाल्लाह माशाल्लाह, खाला आपको अल्लाह बहुत लंबी जिंदगी दे, यूके में ही दे, ठीक है जी। आप बस हमें इस तरह पैसे भेजती रहे, ठीक है जी। अब बताएं सर, 15 लाख रुपए हमें खाला ने भेजे, मुझे बताएं सर, और सुनो, इसमें हमने टेक्निकल एंगल्स निकालने सारे, मुझे बताओ सर, यहाँ हमें पैसे रिसीव हुए या पे किए हमने? ऊपर फॉरेन करेंसी रिसीव हुआ या पे हुआ? जब भी आपको फॉरेन करेंसी रिसीव होगी आप ये बेचने जाओगे तो डीलर क्या करेगा? परचेस करेगा। जब आपको फॉरेन करेंसी रिसीव होगी, डीलर क्या करेगा? परचेस करेगा। और याद रखना, डीलर किस रेट पे परचेस करेगा? बाइंग रेट के ऊपर। और बाइंग रेट हमेशा क्या होगा? छोटा रेट होगा। हेलो, जी अब बताएं जी, जब भी मुझे फॉरेन करेंसी क्या होगी, रिसीव होगी, मैं उसको बेचने जाऊंगा, डीलर क्या करेगा? बाय करेगा। और बाय करेगा तो डीलर किस रेट पे बाय करेगा? बाइंग रेट के ऊपर बाय करेगा। और बाइंग रेट हमेशा क्या होगा? छोटा रेट होगा, क्योंकि डीलर हमेशा चीज सस्ती खरीदेगा और हमें महंगी बेचेगा, ऐसा। क्योंकि उसने भी क्या करना है, बिजनेस करना है, ऐसा। यह है मेरे बच्चों, बड़े आगे एक स्टेप। अच्छा मुझे बताओ, एग्जाम में जब सवाल आएंगे तो पैसे में खाला से मिल रहे होंगे या किसी कस्टमर से मिल रहे होंगे? कस्टमर से पैसे मिल रहे होंगे। बैंक से लोन मिल रहा होगा फॉरेन करेंसी में, कस्टमर से पैसे मिल रहे होंगे फॉरेन करेंसी में। जैसे ही मिलेंगे हम क्या करेंगे? जाके इसको डीलर को बेच के आएंगे। जब हम बेच रहे होंगे तो डीलर बाय कर रहा होगा। हमेशा रेट किसके हिसाब से होता है? डीलर के हिसाब से। एग्जाम में लिखा बाइंग रेट, किसके हिसाब से बाइंग रेट है? डीलर के हिसाब से। अच्छा जी मेरे प्यारे बच्चों, खाला इतनी अच्छी कैसे, नसीब वालों को मिलती है। चलो जी बड़े मांगे दोस्त, प्यारे भाई आगे बढ़ते हैं एक स्टेप। गौर से देखना दोस्त, सर मुझसे सीए नहीं हो रहा था, किसी ने कहा एसीसीए कर लो, फॉरेन क्वालिफिकेशन है, फॉरेन से हो जाती है, ठीक है जी। तो हमने कहा ठीक है जी, शुरू करते हैं फिर एसीसीए। गौर सुनना दोस्त, तो हमने क्या किया, एसीसीए के बारे में पता करने गए। उसने कहा जी आपको, मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा है नहीं, हाँ आपको $500 पे करने पड़ेंगे, आपको $500 पे करने पड़ेंगे। मैंने कहा अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ $500 खरीदने के लिए, कहाँ जाऊंगा मैं? वेरी गुड सर, डीलर के पास। ये फॉरेन करेंसी का डीलर है, यहाँ खड़ा हुआ है। इसको हमने कहा जी $500 हमें चाहिए चाचा। तो चाचा ने कहा इसका मतलब है मैं डॉलर बेचूंगा तो तुम खरीदोगे। मैंने कहा जी चाचा रेट बताएं।
चाचा ने कहा रेट है 280 285 पर यूएस डॉलर। हमने कहा चाचा 280 वाले दे दो। उसने कहा ऐसा नहीं है भाई, 280 वाले दे दो क्या मतलब। हमने कहा आपने दो रेट लिखे हैं तो हमें सस्ते वाले चाहिए, हमने क्या करने हैं, सीसी वालों को दे देने, पास थोड़ी रखने अपने। उसने कहा नहीं बेटा, रेट ऐसे नहीं होते, ये रेट है जिसपे मैं डॉलर बाय करूंगा, सस्ता खरीदूंगा, और ये रेट है जिसपे मैं डॉलर क्या करूंगा, बेचूंगा, सेल करूंगा, तुमने क्या करना है। मैंने कहा मुझे तो डॉलर चाहिए। उसने कहा इसका मतलब है तुम डॉलर खरीदने आए हो तो मैं डॉलर क्या करूंगा, बेचूंगा। तो बताओ डीलर स्ट्रेट में डॉलर बेचेगा या खरीदेगा? बेचेगा। बेचेगा तो हम क्या करेंगे, खरीदेंगे। हम खरीदने के बाद क्या करेंगे, एसीसीए को जाके दे देंगे। ऐसा तो मुझे बताओ मुझे कितने रुपए चाचा को देने चाहिए? 500 यूएसडी मल्टीप्लाई बाय रुपीज 285 पर यूएसडी। मुझे बताओ यूएसडी क्या हो जाना चाहिए। अब बताओ मुझे कितने पैसे चाचा को पे करने हैं? 142। जब हमने ये अमाउंट सुनी, हमने कहा हम सीएमए ही मेहनत कर लेंगे, छोड़ भाई इसको है। अब मुझे एक चीज ये बताओ, गौर सुनना, जब भी आपको कहीं पैसे पे करने हैं, जब भी आपको कहीं पैसे फॉरेन करेंसी में पे करने हैं, आप हमेशा जाओगे फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए, जो कि डीलर क्या करेगा, बेचेगा। जब डीलर बेचेगा तो हमेशा क्या यूज करेगा, सेलिंग रेट यूज करेगा, और जब डीलर सेलिंग रेट यूज करेगा तो सेलिंग रेट हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, बड़ा रेट होता है। इसका मतलब है जब भी मुझे फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना है, जब भी मुझे फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना है, मैं फॉरेन करेंसी परचेज करने जाऊंगा, और जब मैं फॉरेन करेंसी परचेज करने जाऊंगा सर, डीलर क्या करेगा, डीलर फॉरेन करेंसी को क्या करेगा, सेल करेगा। तो मुझे बताएं सर, डीलर सेल करेगा तो डीलर कौन सा रेट इस्तेमाल करेगा? सर डीलर सेलिंग रेट इस्तेमाल करेगा, और सेलिंग रेट हमेशा क्या होगा, हायर होगा। ऐसा ये बात समझ आती है मेरे बच्चों? मैंने दो बड़ी छोटी छोटी बातें आपके जहन में डाल दी हैं। अब बताओ जो दो रेट दिए होते हैं, एक बाइंग रेट होता है, एक सेलिंग रेट होता है, किसके परस्पेक्टिव से बाइंग और सेलिंग? डीलर के परस्पेक्टिव से। डीलर अगर होशियार है तो हमेशा सस्ता खरीदेगा और महंगा बेचेगा। ऐसा ये अभी अभी जहन में बैठ जाएगा ये थोड़ी देर में, ठीक है? तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा कि बाइंग रेट और सेलिंग रेट, इंस्टिंक्ट बन जाएगी तुम्हारी कि पेमेंट है तो सेलिंग रेट, रिसीट है तो बाइंग रेट, ठीक है जी? ऊपर करें, कॉपी करना है इसकी बात करो। चलो जी, कुछ दिनों में रखते हैं बेटा, एक आध दिन में जी। बड़े हम आगे दोस्त है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने दो एग्जांपल्स रखी हैं। सर 50% लोग पास हुए हैं। देखिए मैंने आपको उस दिन भी एक बात बोली थी कि रिजल्ट नहीं आया था, मैंने आपको बोला था कि दो पेपर्स में आए कि आपने जनाजे निकाल लें, एक FIR 1 में निकालना है और एक लॉ में निकालना है, ठीक है जी? शायद टैक्स में उसने वो जनाजा निकाला जो हमें पता नहीं था, ठीक है जी? लेकिन मैं तुम्हें दो पेपर्स के बारे में बताया था कि उसका रिजल्ट शायद सबसे बेहतर हो। एक मैंने आपको MFA बताया था, दूसरा मैंने आपको कॉस्टिंग बताया था। देखो पेपर का स्ट्रक्चर ही ऐसे बना हुआ था कि प्रैक्टिकल साइड से जितने सवाल आ रहे हैं, और MCQs भी 3 MCQs थ्योरी से आते हैं, बाकी सारे प्रैक्टिस से आते हैं, ठीक है जी? तो जिस बंदे का प्रैक्टिकल साइड बहुत अच्छा था, और प्रैक्टिकल साइड मुश्किल भी नहीं है, अभी तक जो सवाल है वो मुश्किल भी नहीं है, अब अभी का कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? क्योंकि अभी जो चेंजेस आई है ना, वो लाई इसीलिए गई है कि इस चीज को जरा सा कर्टेल किया जाए। उससे आखिरी के जो 3 टॉपिक्स हैं, NPV, वर्किंग कैपिटल और बजटिंग, इसके पहले टोटल 25 नंबर होते थे। 25 नंबर में आई के आपको डिसएडवांटेज पता क्या है, 3 बड़े टॉपिक्स हैं, तीनों से एक भी अगर उसने 15 नंबर का सवाल बना दिया तो बाकी 2 टॉपिक्स में वो 10 मार्क्स से ज्यादा का सवाल नहीं बना सकता, तो 10 मार्क्स में वो तगड़ा सवाल नहीं बन सकता। अब उसने उसको कर दिया 30,
तो अब आई क्या 15-15 के दो पूछ सकता है, और अगर किसी अटेम्प में उसने वर्किंग कैपिटल डाल दिया 12 नंबर का, तो वो 18 नंबर का फिर एनपीवी या बजटिंग पूछ सकता है। ठीक है जी, तो अब हमें थोड़ा सा जो है वो काम ज्यादा करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू प्रैक्टिस, विद रिस्पेक्ट टू चीजें, वो हमने थोड़ी सी डिटेल में देखनी पड़ेगी। क्योंकि लास्ट बैच तक मैं बजटिंग पढ़ाता था, बच्चे मुझे अजीब व गरीब नजरों से देख रहे थे, तो इतना बड़ा सवाल थोड़ी आएगा, मार्क्स ही उसके 12-13 बनते हैं, 15 भी पूछ लिए तो भी इतना बड़ा सवाल नहीं आ सकता, तो 22-22 नंबर के सवाल है। अब ऐसे नहीं है। दूसरी चीज, उस बंदे ने लास्ट अटेम्प्ट में आई कैप थ्योरी और प्रैक्टिस दो अलग अलग कॉपीज में चेक करता था, सेक्शन ए सेक्शन बी, एक कॉपी अलग एक कॉपी अलग। लास्ट अटेम्प्ट में आई कैप ने एक ही कॉपी में दोनों पोर्शंस को चेक किया। इसका मतलब समझ आता है? इसका मतलब यह है कि वो किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के नीचे एक थ्योरी चैप्टर का पार्ट डाल देगा जो उसी प्रैक्टिकल सिनेरियो से कनेक्टेड होगा। तो ऐसे सवाल भी अब हमने करके जाने, अदरवाइज हम फंसेंगे। ठीक है जी, देखो क्लियर इंडिकेशन है, ये वही सारे काम है जो सीए फाइनल में कर चुका है रिसेंटली। बीएफडी का सिलेबस चेंज हुआ, उसने बीएफडी में थ्योरी डाली, पता था लोगों को थ्योरी आएगी पेपर में, अंधे बन गए सब, आज तक नहीं आई। आज तक 35 नंबर की थ्योरी आई पेपर में, उसके बाद लोगों को रियलाइज हुआ कि नहीं यार, हमें आई कैप के एग्जाम हॉल में किताब लेके जानी चाहिए, आई उसमें बीएफडी ओपन बुक पेपर है। अब लोग बुक्स लेके जाते हैं, तीन तीन इतनी मोटी मोटी थद्दे लेके जा रहे होते हैं कि थ्योरी का सवाल आए तो वहां से छाप लेंगे। चलो तो मैं आपको आज एक बात बता रहा हूं कि ये पेपर ओवर द पीरियड इस तरह होगा कि कोई बंदा ये नहीं कर सके कि खाली प्रैक्टिकल करके चला जाए और वो 6-7 नंबर थ्योरी में से लेके पास हो जाए, ये नहीं होगा, मैं आपको आज बता रहा हूं। ठीक है जी, 50 नंबर इससे पहले 48% रिजल्ट था, उससे पहले कोई 47% रिजल्ट था, तो खाला का घर थोड़ी है यार। इतना रिजल्ट बीकॉम का नहीं होता, इंटरमीडिएट का नहीं होता इतना रिजल्ट। ठीक है जी, जितना आपका ये रिजल्ट आएगा, 35% इज अ रीजनेबल रिजल्ट, 30-35% रीजनेबल रिजल्ट होता, क्योंकि मेरे हिसाब से 50% रिजल्ट इज एज गुड एज 80%। क्यों? 20-25% बच्चे तो सिर्फ पेपर में ये करने जाते हैं कि जाओ बस यार बैठ के आ जाओ। ठीक है जी, बैठ के आ जाओ, कोई तैयारी वैयारी तो है नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम जब पेपर खत्म हुआ, मैंने ग्रुप खत्म होने में 1 घंटा बाकी था, मैंने ग्रुप पे मैसेज डाला पेपर, तो 25 लोगों ने वो मैसेज देख लिया। अब या तो वो आई कैप में बैठे हुए थे या उन्होंने पर्चा ही नहीं दिया। तो एक ने उसमें मैसेज किया कि सर पेपर नहीं दिया, तो मैंने बाकियों का भी अंदाजा लगा लिया होगा, नहीं दिया पेपर, एग्जाम हॉल के अंदर बैठ के तो मैसेज नहीं देखेगा ना। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से रिजल्ट इतना अच्छा था। वो बच्चा फेल हुआ है जिसकी प्रैक्टिकल साइड थोड़ी वीक थी और थ्योरी में भी स्कोर नहीं कर सका प्रैक्टिस में, इस दफा चीजें देख के जाना, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो मैं आपके साथ जम के मेहनत करूंगा, लेकिन उसकी वैल्यू जीरो है अगर आप अपने एंड पे घर जाके होमवर्क नहीं कर रहे हो, सवालात सॉल्व नहीं कर रहे हो, केस स्टडीज नहीं देख रहे हो मेरे साथ, इसकी टोटल वर्थ जीरो है। आपने साथ देखनी है चीजें तो निकल, ये पेपर आराम से निकल जाएगा, टेक्निकल पेपर में मसला नहीं होता लोगों को, अगर मुश्किल चीजें समझ आ जाए। ठीक है जी, आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चों, और सुनना। अब मैं आपसे दो सवाल पूछ रहा हूँ सर, सुनो। मैं कह रहा हूं जी, मेरे पास दो ट्रांजेक्शन हैं, मेरे पास एक रिसीट एक्सपेक्टेड है सर 1500 US डॉलर्स की, एक मुझे पेमेंट करनी है 24,000 सऊदी रियाल्स की। ठीक है जी, 24,000 सऊदी रियाल्स की। ठीक है जी, और सुनना, आज का स्पॉट रेट है, स्पॉट रेट क्या होता है ना, स्पॉट रेट का मतलब है अभी के अभी जाके डॉलर लोगे ना इस रेट पे मिल जाएगा, तो आने के बाद जब स्पॉट का वर्ड सुनो तो ये कब का रेट है, अभी का रेट है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं जाके डीलर को कहूं मुझे 1 महीने बाद डॉलर चाहिए, वो रेट आज से बता दे? हाँ, वो रेट होता है फॉरवर्ड रेट। कौन सा होता है? फॉरवर्ड रेट। आज आप बकरा खरीदने जाओ, वो आपको क्या कहेगा, ये बकरा इतने रुपए का, आपने कहा 1 महीने बाद लेने आऊं तो नहीं, वो कहेगा ये हो ही ना, तो सर मैं क्या कर सकता हूँ। फॉरेन करेंसी एक ऐसी चीज है जो इंटरचेंजेबल है, यानी ऐसा नहीं कि एक डॉलर और दूसरे डॉलर के नोट में फर्क हो, दो बकरों में फर्क हो सकता है, तो वो आपको कमिट नहीं करता कि 1 महीने बाद पता नहीं बकरा हो या ना हो डॉलर में, वो आपको क्या करेगा, आपको डॉलर चाहिए, वो कहेगा सर ये ले, आपने कहा 1 महीने बाद चाहिए, ठीक है 1 महीने बाद आ जाना, वो इस टेंशन में नहीं होगा कि ये वाले डॉलर चले जाएंगे तो फिर पता नहीं होगा दूसरे डॉलर होंगे हमारे पास, तो
तो भाई क्या आज डॉलर खरीदा जा सकता है? हाँ। क्या आज बैठ के एक महीने आगे डॉलर खरीदा जा सकता है? यस सर। वो कौन सा रेट होता है? ये कौन सा रेट है? स्पॉट। वो कौन सा होगा? फॉरवर्ड। स्पॉट रेट का मतलब है सर आज का रेट। सर स्पॉट रेट पे मौजूद है सर, डॉलर का रेट आ रहा है 240-245 पर यूएस डॉलर। मेरा सवाल है दो रेट्स क्यों कोट होते हैं? क्योंकि डीलर एक रेट पे बाय करता है, एक रेट पे सेल करता है। डीलर एक होशियार आदमी है, सस्ता खरीदेगा महंगा बेचेगा। तो डीलर के लिए बाइंग रेट कौन सा रेट होगा और डीलर के लिए सेलिंग रेट? इसी तरह सर सऊदी रियाल, सर सऊदी रियाल भी हमें अवेलेबल है सर 82-86 पर सऊदी रियाल जी। इसमें बाइंग रेट कौन सा? छोटा रेट। सेलिंग रेट कौन सा? आप बताएं सर। मेरा पहला सवाल आपसे, रिसीट्स है, मुझे डॉलर मिलने वाले हैं, अगर मुझे डॉलर मिलेंगे तो मैं बेचूंगा तो डीलर बाय करेगा। तो याद रखना, फॉरेन करेंसी की रिसीट हमेशा कनेक्टेड होगी बाइंग रेट से। फॉरेन करेंसी की रिसीट हमेशा बाइंग रेट से कनेक्टेड होगी। तो मुझे मेरे बच्चों बताओ, $1500 में कितने के बेच पाऊंगा जो मुझे मिलने वाले? कितना मेरे बच्चों? 360,000। ऐसे ही है। अब बताओ जी, सऊदी रियाल मैंने पे करने तो मेरे पास तो है नहीं सऊदी रियाल, कहां से मिलेंगे? डीलर से खरीदूंगा। डीलर से जब मैं खरीदूंगा तो डीलर क्या करेगा? जो बेचेगा। डीलर बेचेगा तो सर कौन सा रेट? तो फॉरेन करेंसी की जब भी पेमेंट आएगी तो हमेशा आप उसको कनेक्ट करोगे किससे? आप देखो, सोचना मत एग्जाम में, आपने फॉरेन करेंसी की रिसीट्स मिलनी है आपको मिल रही फॉरेन करेंसी, तो इसका मतलब आप फॉरेन करेंसी जाके बेचोगे, डीलर क्या करेगा? खरीदेगा। तो जब भी फॉरेन करेंसी की रिसीट नजर आए हमेशा उसको कनेक्ट करना है किससे? बाइंग रेट से। जब भी फॉरेन करेंसी की पेमेंट नजर आएगी हमें उसको किससे कनेक्ट करना है? सेलिंग रेट से। ऐसा अब बताओ सर कितना बन रही है? अमाउंट कितनी है सर? 24,000 एस आर मल्टीप्लाई बाय 86 कितना? 2.064। पक्का मेरे बच्चों? मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। आप बताओ सर फॉरेन करेंसी का रेट पिक कर लोगे सही? रिसीट इज कनेक्टेड विद बाइंग रेट, पेमेंट इज कनेक्टेड विद रिसीट। में आप सर फॉरेन करेंसी लेके डीलर के पास बेचने जाओगे, डीलर बाय करेगा तो बाइंग रेट। जब आपने फॉरेन करेंसी की पेमेंट करनी है तो आपको फॉरेन करेंसी खरीदना है, खरीदने जाओगे तो आप खरीद रहे होगे, डीलर क्या कर रहा होगा? सेल कर रहा होगा। तो पेमेंट इज कनेक्टेड विद सेलिंग रेट। ऐसा बड़े से भागे मेरे बच्चों। आगे बढ़े अपने पास एक छोटी सी हेडिंग डालोगे, फॉरवर्ड अग्रीमेंट्स। अच्छा, इस स्टेज पे मैं पहले बताता था डायरेक्ट कोट क्या होता है, इनडायरेक्ट कोट क्या है। वो चूंकि कोर्स से निकल गया है तो हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखेंगे जितना हमने अभी पढ़ा, ठीक है? तो वैसे मेरी पहली पूरी क्लास जाती थी, इसको डायरेक्ट कोट कहते हैं, इसको इनडायरेक्ट कोट कहते हैं, वो अभी हम नहीं देख रहे, ठीक है? अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखो, ये आज का दिन है, ठीक है जी? ये है मेरे पास सर, आज है मेरे पास 1 जनवरी, ये है सर मेरे पास 28 फेब। कितने महीने आगे सर? 2 महीने आगे। और सुनना, 2 महीने बाद सर मुझे $2,000 पे करने हैं एक यूनिवर्सिटी को, फी पे करनी है आज से ठीक 2 महीने बाद। मैं यहाँ खड़ा हूँ सर, मैं रोज टीवी खोलता हूँ, रोज मुझे नजर आता है कि कोई इंतहाई फजूल लोग गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, और रोज मुझे नजर आता है कि जी डॉलर जो है वो उसका रेट बढ़े जा रहा है। अब मेरा यही खून खुश हुआ है कि 2 महीनों में पता नहीं क्या हो, और मुझे डर लगा हुआ है। अच्छा, मैंने डॉलर पूछा सर स्पॉट पे, गौर से सुनना,
स्पॉट में मुझे पता चला डॉलर चल रहा है 280-285 पर यूएस डॉलर। मुझे बताओ मेरे लिए रेलेवेंट रेट कौन सा है? 285-280 क्यों सर? क्योंकि पेमेंट करनी है हमने, तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, जब हम पे कर रहे होंगे तो हम डॉलर बाय करेंगे, डीलर सेल करेगा, पेमेंट इज ऑलवेज कनेक्टेड विद सेलिंग रेट। अब आप याद रखो, आप एक मनुष्य इंसान, जब भी आप खरीदने जाओगे डॉलर महंगा मिलेगा, जब भी आप बेचने जाओगे सस्ता। तो हम यहाँ खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, सर हमने पेमेंट करनी है तो हमने डॉलर खरीदना है, कितने में मिलेगा हमें? 25 का। तो सर इसका मतलब है पेमेंट विल ऑलवेज बी कनेक्टेड विद सेलिंग रेट। अब मैंने कहा 285 यार, पिछले महीने ये तकरीबन 270 था, ये 285 हो गया, पता नहीं दो महीनों में तो ये पता नहीं कहाँ पहुंचेगा। मैंने डीलर को फोन किया, मैंने कहा चाचा ऐसा हो सकता है कि मेरी टेंशन खत्म कर दो तुम। चाचा ने कहा टेंशन किस चीज की? मैंने कहा चाचा मैं रोज टीवी देखता हूँ और मुझे पता चलता है डॉलर महंगा होता जा रहा है, मैंने दो महीने बाद पैसे पे करने, तो मैं चाहता हूँ आज ही आप मेरी टेंशन खत्म कर दो, मुझे आज ही बता दो कितने पैसे देने। तो चाचा ने कहा आप एक फॉरवर्ड अग्रीमेंट कर लें। मैंने कहा चाचा इस अग्रीमेंट में क्या चीजें अग्री होंगी? उसने कहा तीन चीजें, कितने डॉलर चाहिए, किस रेट पे मिलेगा, कब मिलेगा। ठीक है जी, क्वांटिटी, रेट और टाइम। ठीक है जी, कितने डॉलर चाहिए, किस रेट पे चाहिए और कब चाहिए। मैंने कहा चाचा सवालों का जवाब ये है कि 28 फेब को चाहिए, दूसरे सवाल का जवाब ये है कि $2000 चाहिए। अब चाचा तुम रेट बता दो कि क्या दे रहे। चाचा ने कहा रेट दो महीने बाद का, क्योंकि आपको पता है कि बात स्पीड का दौर है तो चीजें बहुत स्पीड से चेंज हो रही हैं, तो मैं आपको दूंगा 290-294 पर यूएस डॉलर। मैंने कहा चाचा तुम इसका मतलब है मुझे एक डॉलर कितने का दे रहे हो? 294 का। कितने का? 294 का। चाचा ये तो 285 से महंगा है, ये क्या जनाब 285 से महंगा है। तो चाचा ने कहा हाँ यार, क्योंकि हमारी मार्केट चल रही है कॉन्टेंगो। कौन सी मार्केट चल रही है? ये सवालों में नाम आएगा, मैं सवाल आपको कराऊंगा ICIW के। कॉन्टेंगो मार्केट का मतलब क्या है? वो मार्केट जिसमें स्पॉट पे चीज सस्ती मिल रही हो और फॉरवर्ड में महंगी मिल रही हो। फॉरवर्ड में महंगी मिलने का मतलब क्या है? मार्केट इज एंटिसिपेटिंग दैट ये रेट बढ़ेगा डॉलर का। ठीक है जी, तो मार्केट आपको फेब में जो डिलीवरी दे रही है डॉलर की, वो कितने में दे रही है? 294 में। मैंने कहा ठीक है 294 पे डील डन। अब बताओ सर, मैं अगर फेब में पहुंचू और डॉलर चल रहा हो 299 पे, 310 पे, 325 पे, तो मुझे 325-24 का मिलेगा या मुझे 294 का मिलेगा? फॉरवर्ड रेट का फायदा क्या, फॉरवर्ड अग्रीमेंट का फायदा क्या? फॉरवर्ड अग्रीमेंट विल ऑलवेज ब्रिंग गुड न्यूज। नहीं सर, देखिए गुड न्यूज है ना, हम 225-320 पे जा रहे हैं, 294 पे लॉक हो जाए। व्हाट इफ के सर अच्छा काम हो जाए, कोई ज़कात खैरात के डॉलर दे जाए हमें, ठीक है जी, और डॉलर आने के बाद रेट गिर जाए और पता चल जाए जी डॉलर हो गया 280 का, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में तो नुकसान भी हो सकता है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रिंग्स बैड न्यूज? नहीं सर, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नाइदर ब्रिंग्स गुड न्यूज और बैड न्यूज। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इंश्योर्स नो न्यूज। आपको आज ही बताओगे कितने पैसे देने, कितने पैसे देने? 294। अब आगे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर चली जाए, उधर चली जाए, अमेरिका खत्म हो जाए, तब भी आपको एक डॉलर कितने का मिलेगा? 294 का। अब सुनो मेरे बच्चों, फॉरवर्ड अग्रीमेंट करने का फायदा क्या? हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले, हमें कम से कम पैसे देने पड़े? नहीं, फॉरवर्ड अग्रीमेंट का एक ही ऑब्जेक्टिव है, आपको आज से पता चल जाए कि आपने अल्टीमेटली कितने पैसे देने हैं। एक बात बताओ, रिस्क क्या है? रिस्क किस चीज को कहते हो? पुनिशमेंट बाय रिस्क, चेंज इज रिस्क। चेंज क्या है? रिस्क है। ठीक है जी, चीजों का चेंज हो जाना इज रिस्क। ठीक है जी, मैं सोच रहा हूँ डॉलर 294 रुपए का है, 90 रुपए का होगा, 295 रुपए का होगा, डॉलर चला गया 325 पे, रिस्क के बढ़ जाएगा ऐसा। तो हम फॉरवर्ड अग्रीमेंट से रिस्क को एलिमिनेट करते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज को क्या करते हैं, हम एलिमिनेट कर देते हैं, नहीं होती। हमें पता होता है कि जी कुछ भी हो जाए हमें कितने में मिलेगा डॉलर? 294 में। ये बात समझ आती है? अब बताओ अल्टीमेटली मैं $2000 के लिए कितने पैसे दे रहा हूँ? 2000 US डॉलर्स मल्टीप्लाई बाय 294 कितना आता है सर?
588 ऐसा। अब मैंने दिमाग बना लिया कि मुझे 588,000 रुपए देने हैं। अच्छा व्हाट इफ के जब मैं 28 फेब पे पहुंचा तो 28 फेब का स्पॉट चल रहा था सर 299,305। हाँ जी, तो मुझे अब कितने पैसे देने पड़ेंगे? सर आपको यही 588,000 ही देने पड़ेंगे। एक्चुअल रेट, स्पॉट रेट कुछ भी हो जाए, हमें उसका कोई टेंशन नहीं है। तो बताओ फॉरवर्ड रेट करना कंपनी के लिए हर दफा बेनिफिशियल होता है? नहीं सर, ऐसा भी हो सकता है कि डॉलर के रेट गिर गए, हम सर पीट रहे हैं, काश फॉरवर्ड ना करते, अभी कम पैसे देने पड़ रहे होते। ठीक है जी, फॉरवर्ड करने की वजह से ज्यादा पैसे देने, इस केस में जो भी नजर आ रहा है, अगर हम फॉरवर्ड नहीं करते हमें कितने पैसे देने पड़ते? 305। तो याद रखना यार, हेजिंग कभी भी मुनाफा कमाने के लिए, हेजिंग का मतलब क्या होता है? अपने आप को प्रोटेक्ट करना, किससे? वेरिएशन, लॉसेस से नहीं, किससे? वेरिएशन से। अपने आप को प्रोटेक्ट करना किससे? वेरिएशन से। हमें नहीं पता आगे जाके फ्यूचर में क्या होगा, आओ सारी चीजों को सर्टन कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड अग्रीमेंट पर लेते। फॉरवर्ड अग्रीमेंट में हमने रेट तय कर लिया कितने का, 290। अब बताओ सर 28 फेब को कोई भी रेट हो, ये हम पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, हमने 588,000 ही पे करने। मे बी उस दिन रेट बढ़ जाए तब भी हमें 588 देने, फायदे में रहेंगे हम। मे बी उस दिन रेट कम हो जाए तब भी हमें क्या करना है, 588 ही पे करने। पक्का एक स्टेप आगे जाए। फॉरवर्ड किन लोगों के बीच में होता है, गौर से सुनो। ये मैं हूं, ये डीलर है, ये हमारा सर SECP है। ठीक है जी, और तो सुनना, डीलर और मेरे बीच में एग्रीमेंट हो रहा है। डीलर ने कहा अहमद रजा कितने डॉलर्स चाहिए? मैंने कहा 412.76 डॉलर्स। उसने कहा वेरी गुड, कब चाहिए? मैंने कहा आज 1 जनवरी है, मुझे डॉलर चाहिए 13 फेब की रात 8:46 पे। उसने कहा ठीक है डन, रेट बता दिया उसने। मुझे बताओ ये जो फॉरवर्ड अग्रीमेंट होता है किन लोगों के बीच में होता है? दो इंडिविजुअल्स के बीच में, दो लोगों के बीच में, और इसकी टर्म्स कुछ भी हो सकती है। फॉरवर्ड 1 घंटे का भी हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है, 2 महीने का भी हो सकता है। फॉरवर्ड में जो करेंसी की अमाउंट है वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है जी, याद रखना हम SECP के पास नहीं जाते हैं। फॉरवर्ड अग्रीमेंट रेगुलेटेड नहीं होता। रेगुलेटेड का मतलब हमें गवर्नमेंट नहीं कह सकती इतने डॉलर्स का फॉरवर्ड, ये कैसा फॉरवर्ड है? गवर्नमेंट हमें नहीं कह सकती कि भाई फॉरवर्ड के लिए जो सेटलमेंट डेट है जैसे 13 फेब है वो कुछ 30 फेब होनी चाहिए, 28 फेब होनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फॉरवर्ड अग्रीमेंट किन दो लोगों के बीच में, दो इंडिविजुअल्स के बीच में, मेरे और डीलर के बीच में। अच्छा व्हाट इफ ऐसा हो कि मैंने जब से डॉलर खरीदा तो 294 का था, इमरान खान का दौर आया, डॉलर 212 रुपए का आ गया, और जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे 294 रुपए का डॉलर मिल रहा है, मैंने टिकट पकड़ी और मैं इलाका गैर भाग गया पिशावर की पहाड़ियों के पीछे, हैं? तो डीलर कुछ कर सकता है? नहीं, डीलर जाएगा थाने में रिपोर्ट लिखाएगा मेरे पैसे लेके भाग गया, और कुछ भी नहीं कर सकता। डीलर SCP के पास नहीं जा सकता, किसके पास जाएगा? थाने जाएगा, रिपोर्ट लगाएगा, बोले बड़ा बगैरत आदमी था, पैसे लेके भाग गया, खत्म हो गई बात। इसका मतलब है याद रखना फॉरवर्ड में एक रिस्क होता है जिसको कहते हैं डिफॉल्ट रिस्क। क्या कहते हैं? अच्छा व्हाट इफ के डॉलर हो जाता 360 रुपए का, हमें कितने में मिलना है? हम डीलर के पास पहुंचे, डीलर इलाका गैर भागा हुआ, ऐसा हो सकता है ना? ये सर हो सकता है। तो डीलर में फॉरवर्ड में सबसे बड़ा रिस्क किसका है? ये जो मैं आपको पॉइंट्स लिखा रहा हूँ मनुष्यो, ये थ्योरी में आएंगे। डॉलर दो लोगों का अग्रीमेंट है, ठीक है जी, बायलेटरल अग्रीमेंट है, ठीक है जी, ये फॉरवर्ड, सॉरी फॉरवर्ड एक बायलेटरल अग्रीमेंट है, ठीक है। फॉरवर्ड में डॉलर्स की क्वांटिटी, रेट, सेटलमेंट डेट कैन बी एनीथिंग, ठीक है जी। वेरी गुड सर, अभी इतनी मुश्किल से अंग्रेजी बोली यार, मैं दोबारा बुलाऊंगा जी सर। क्या बोला मैंने, खुद भूल गया मैं जी सर। फॉरवर्ड एक बायलेटरल अग्रीमेंट है, फॉरवर्ड इज अ बायलेटरल अग्रीमेंट, ठीक है जी। सर क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स
रेट एंड सेटलमेंट डेट आर डिसाइडेड म्यूचुअली, रेट क्वांटिटी एंड सेटलमेंट डेट आर डिसाइडेड म्यूचुअली, ठीक है जी। फॉरवर्ड अग्रीमेंट इज नॉट रेगुलेटेड बाय एनी रेगुलेटरी अथॉरिटी, फॉरवर्ड अग्रीमेंट इज नॉट रेगुलेटेड बाय एनी रेगुलेटेड रेगुलेटरी अथॉरिटी। नंबर फोर, डिफॉल्ट रिस्क इज हाई इन फॉरवर्ड अग्रीमेंट्स। डिफॉल्ट रिस्क क्या है? दोनों में से एक पार्टी क्या हो जाए, भाग जाए। अच्छा, ये एससीसीपी का क्या रोल होता है भाई? एससीपी का कोई रोल है इसके अंदर? नहीं, अभी हम थोड़े टाइम में चीज पढ़ेंगे फ्यूचर्स, वहां रोल आएगा एससीसीपी का, वहां रोल आएगा क्लियरिंग कंपनी, क्लियरिंग जो हमारे पास एनसीसीपीएल है उसका रोल आएगा। अभी हमारे हम दोनों के बीच में कोई भी नहीं है, मैं और डीलर के बीच में कोई नहीं पड़ रहा। दो लोगों का अग्रीमेंट है, हमने किसी जो है वो अफगानिस्तान की गुफा में जाके अग्रीमेंट किया है, हमने किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी आगे एक चीज पढ़ोगे आप फ्यूचर्स, उसमें आपको आगे एक्सचेंज को बताना पड़ता है कि जी मैंने इससे इतने डॉलर्स लिए और ये लिया और वो लिया, यहाँ हमको ऐसी बात नहीं बता रहे, ठीक है। अब मेरे बच्चों को सुनते रहना, बोर्ड पे देखो। अब मैं आपको दे रहा हूँ एक टिपिकल क्वेश्चन फॉरवर्ड का, गौर से देखना। आज तक एग्जाम में पता फॉरवर्ड का सवाल क्या आया? 3 महीने बाद पेमेंट करनी है, अमाउंट बताएं, आपने उठाया मल्टीप्लाई किया, दो नंबर भेजा। अब वो पूछेगा आपसे, आओ बेटा जरा इधर, ऐसा सवाल गौर से सुनो। यह है हमारी कंपनी, कंपनी का नाम क्या जी? ARM कंपनी, वेरी गुड सर। सर हम यूके से कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मंगवाते हैं, ठीक है जी, इंपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, और जैसे इंपोर्ट होता है ये हम उठा के असल पाकिस्तान को भेज देते हैं, दैट इज बांग्लादेश। हाँ जी, असल पाकिस्तान वही है, पाकिस्तान की करारदाद बंगाली ने दी, करारदाद पाकिस्तान बंगाली ने पेश की, कहते थे मोहम्मद अली जिन्ना के शाना पशाना बंगाली लड़े थे, ठीक है जी। आप वहां निकाल के दे दो मुझे, एक कोई पंजाबी हो, सिंधी हो, कोई पठान हो, एक मुझे निकाल के दे दो, सारे बंगाली लड़ रहे थे, उर्दू स्पीकिंग और बंगाली ने लड़ी थी पूरी आजादी की जंग, ठीक है जी। मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, माशरती उलूम और पाकिस्तान स्टडीज नहीं, ठीक है। पाकिस्तान स्टडीज में तो हमने बहुत कुछ पढ़ा ना, पाकिस्तान इतनी गंदम उगाता है कि साथ दुनिया के सातवां गंदम उगाने वाला मुल्क है, बड़ा मुल्क है, और इसमें इतनी गंदम है, और 65 की जंग और 71 की जंग में हमने इंडिया के दांत खट्टे कर दिए थे, ठीक है ना। पता नहीं कुछ खिलाया होगा हम लोगों ने, हाँ जी है, लीमू ने छोड़ दिया। अच्छा, चलो जी बोर्ड मेरे को दोस्त। सर यूके से मैं कुछ सामान मंगवाता हूँ, बांग्लादेश भेजता हूँ, और तो सुनना पूरी कहानी, और सवाल का जवाब आपने देना है। मैं आपको इसी तरह के केसेस देता रहूंगा और फिर उसके सवाल दूंगा, ठीक है। सर जी हम अगर आज यूके में ऑर्डर प्लेस करें, किस तारीख को? 1 जनवरी को, क्या करें? ऑर्डर प्लेस करें, हम इस वक्त मौजूद भी 1 जनवरी पर, ठीक है। हमने 1 जनवरी को ऑर्डर प्लेस किया, कहां पर? यूके, क्या हमें गैजेट्स चाहिए इंपोर्ट करनी, ठीक है जी। और तो सुनना, यूके में जिस सप्लायर से हम गुड्स मंगवा रहे हैं उसने कहा जी आपको पेमेंट करना पड़ेगी 70,000 GBP की, और ये पेमेंट करना पड़ेगी आपको 1 फरवरी को। कब? 1 फरवरी को, जब हमें क्या होंगी? गुड्स रिसीव होंगी, गुड्स रिसीट डेट। मेरे प्यारे बच्चों, मैं 1 जनवरी को अपने सप्लायर को कॉल कर रहा हूं कि मुझे 70,000 रुपए की इलेक्ट्रॉनिक, 70,000 डॉलर्स की या GBP की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चाहिए। सप्लायर ने कहा जिस दिन तुम्हारे पोर्ट पे सामान पहुंच जाए उस दिन तुम पैसे दे देना। पोर्ट पे सामान पहुंचेगा 1 महीने बाद, मैं इस वक्त किस डेट पे मौजूद हूँ? 1 जनवरी पे। अभी मैं सिर्फ ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ,
एंड आई नो द अमाउंट के मुझे 70,000 GBP पहली फेब को पे करने हैं। ठीक है जी, और सुनना, जैसे ये गुड्स रिसीव होंगी, टेक्निकल सवाल है, इन गुड्स को मैं सर शेल्फ में रख दूंगा और एक महीना ये शेल्फ में पड़ी रहेंगी। ठीक है जी, फिर बंगाली बाबा कहेंगे कि ये गुड्स हमें चाहिए, तो हम ये क्या करेंगे, बेच देंगे सर, सेल टू या बांग्लादेशी कंपनी। ठीक है जी, तो जब हम इसको बेचेंगे बांग्लादेशी कंपनी को, कब बेचेंगे, एक महीना अपने शेल्फ में रखने के बाद बेचेंगे। सर बांग्लादेशी कंपनी को ये गुड्स इमीडिएटली मिल जाएंगी, क्योंकि वो कहेगा जी हमारा लॉन्च खड़ा है पाकिस्तान के साहिल पे, उसको दे दो, सेल हो जाएगी। अब बताओ हमने क्या किया, एक महीना गुड्स रखी, इमीडिएटली उठा के डिलीवर कर दी किसको, बंगाली के एजेंट को, सेल हो गई। बंगाली ने कहा पैसे एक महीने बाद दूं, वन मंथ लेटर आपको रिसीट्स होंगी, और ये रिसीट होंगी सर 2 मिलियन बांग्लादेशी टके में। कितना जी, अब बताओ सर, मेरा सवाल है ये ट्रांजैक्शन किस महीने में जाके कंप्लीट होगी, और से तरीके से है? ये ट्रांजैक्शन पूरी साइकिल किस दिन जाके कंप्लीट होगी सर, 1 जनवरी को मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा, 1 फेब को गुड्स आ जाएंगी, 1 मार्च तक मेरे पास पड़ी रहेंगी, और 1 मार्च के बाद जैसे ही मैं बेचूंगा तो 1 अप्रैल को मेरे पास क्या आ जाएगी, पैसे आ जाएंगे। ऐसा अब क्या पैसे आएंगे क्या मेरे पास, बंगाली टके आएंगे, और सर मैंने पैसे देने कितने, 70,000 GBP, मुझे बताओ जो देने वो भी फ्यूचर में देने, जो लेने वो भी फ्यूचर में लेने, तो मैं दोनों को फॉरवर्ड कवर के थ्रू हैच कर सकता हूं है? मेरा सवाल है, जीबीपी पे करने हैं, जीबीपी पे करने हैं, आज मैं 1 जनवरी पे खड़ा हूं, मुझे कितने महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए, 1 मंथ फॉरवर्ड या 2 मंथ फॉरवर्ड, 1 मंथ फॉरवर्ड, क्यों, क्योंकि 1 फेब को गुड्स आएंगी, 1 फेब को हमने पेमेंट करनी है, तो हमें जीबीपी का फॉरवर्ड लेना है कितने महीनों का, शाबाश शाबाश, कितने महीनों का, 1 महीने का, और फिर इसके बाद सर पैसे पे करने के बाद हम ये सामान उठा के रख देंगे शेल्फ में। ठीक है जी, 1 महीना पड़ा रहेगा, तो पूरा हमारा जो है वो फेब का महीना गुजर जाएगा, 1 मार्च आ जाएगी, 1 मार्च को हम सर गुड्स बेच देंगे, बेचेंगे तो हमें पैसे कब मिलेंगे, 1 महीने बाद, यानी 1 अप्रैल को। इस वक्त कौन सी डेट है, 1 जनवरी, पैसे कब रिसीव होने, 1 अप्रैल को, तो मुझे बताओ फॉरवर्ड कितने महीने वाला होना चाहिए, 1 जनवरी से 1 फेब 1 महीना, 1 फेब से 1 मार्च 2 महीने, 1 मार्च से 1 अप्रैल, तो मुझे बताओ सर मुझे कितने फॉरवर्ड कवर लेने चाहिए, 2, 1 लेने चाहिए जीबीपी के लिए, कितना महीना, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 1 मंथ, और सर मुझे बांग्लादेशी टके के लिए भी फॉरवर्ड लेना चाहिए कितने महीने का, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, सर 3 मंथ। सर एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये सीए फाइनल का, वो डील्स बनाता है कि जी हमने थाईलैंड से गुड्स खरीदी, हमने जर्मनी से गुड्स खरीदी, एक को पैसे 1 महीने बाद देने, एक को 2 महीने बाद देने, फिर उससे फिनिश गुड्स बनाए। आज तक तुम्हारे पास एमएफए में सीधा सवाल आया है, इतनी पेमेंट करनी है, फॉरवर्ड का रेट बता दो। मैं आपको बता रहा हूं 50% रिजल्ट के बाद मैं अफोर्ड नहीं कर सकता उस तरह पढ़ाना जिस तरह मैंने लास्ट बैच में पढ़ाया। ठीक है जी, अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि रेट्स क्या है फॉरेन करेंसी के, आपने कहा सर रेट्स हैं स्पॉट है, 2 रेट्स हैं हमारे पास, पर जीबीपी और पर बांग्लादेशी टका। सर हमारे पास स्पॉट पे पाउंड अवेलेबल है 280-285, सर 1 मंथ फॉरवर्ड अवेलेबल है, 1 मंथ फॉरवर्ड, 2 मंथ फॉरवर्ड और 3 मंथ फॉरवर्ड, 286, 291, 291, 296, 299, 305, बांग्लादेशी टका हमारे पास अवेलेबल है इंशाल्लाह 40 रुपए, 43, 44, 46, 46,
48, 49, 51, मुझे बताओ इस पूरी ट्रांजेक्शन पे कंपनी को कितने का फायदा हुआ। ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, तुमने अटेम्प्ट करना, शाबाश। इस पूरी डील पे कंपनी को कितने का फायदा हुआ? ऊपर कर दूं, ऐसे करूं? ऐसा? अच्छा मुझे बताओ इस पूरी ट्रांजेक्शन पे जो प्रॉफिट होना मुझे आज ही पता चल जाएगा? हाँ आज ही पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या उसमें चेंज आ सकता है? हाँ, बंदा भाग जाए, हम भाग जाए, हो सकता है, ठीक है। वैसे नहीं आएगा चेंज। बांग्लादेश वाले मंथ्स वापस बता दें, पहली फेब को हमने गुड्स रिसीव करनी है, पैसे देने, पहली फेब के बाद एक महीने के लिए गुड्स हम स्टोर कर लेंगे, तो पूरा फेब का महीना गुजर जाएगा, पहली मार्च आ जाएगी, पहली मार्च को हम गुड्स बेचेंगे और उसके एक महीने बाद हमें पैसे मिलेंगे, यानी पहली अप्रैल। स्पॉट रेट हमेशा फर्स्ट जनवरी का ही होगा। अच्छा बोर्ड पे देखो, इसको मैं करवा रहा हूँ, रेट्स में काफी डिफरेंस है, इस वजह से इतना बड़ा गेन आ रहा है। अच्छा सुनो बेटा, बोर्ड में देखो चाचा, सबसे पहले मुझे बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास सेल्स कितने की होगी? सर मुझे मिलने हैं बांग्लादेशी टके 2 मिलियन टके, और सर हम जो है वो टका जब खरीदेंगे मिलेगा हमें, मतलब सेल्स के तौर पे मिलेगा, प्रोसीड्स मिलेंगी, देन हम जाके टके बेचेंगे और डीलर क्या करेगा, खरीदेगा। तो हमें कनेक्ट करना है इसको किससे? ऐसा क्या था? ना 98 मिलियन, सर बंगालियों ने इतना बड़ा पैसा दे दिया हमें 98 मिलियन। अब सर हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या परचेजेस, सर हमने 70,000 GBP पे करने हैं, पे इज कनेक्टेड विद सेलिंग रेट, एक महीने का फॉरवर्ड कितना पक्का क्या आता है कितना? 20,370। तो सर इसका मतलब है पैसा ही पैसा कितना? 77। देखो जब बांग्लादेशी टके में पैसे चीजें बेचोगे कितने बांग्लादेशी टके मिलेंगे? 2 मिलियन। इस पे ईमान है कि 2 मिलियन टके मिलने? कब मिलने? आज पहली जनवरी है, एक महीने बाद मुझे गुड्स मिलेंगी पहली फेब, उसके बाद पहली फेब को मैं उसको गोडाउन में रख दूंगा, पहली मार्च को बेचूंगा, पहली मार्च के एक महीने बाद मुझे पैसे मिलेंगे, यानी पहली अप्रैल को। अब पहली जनवरी से हमने काउंट करना है पहली अप्रैल तक, देखो कितने महीने होते हैं, फर्स्ट जनवरी से फर्स्ट फेब एक महीना, फर्स्ट फेब से फर्स्ट मार्च 2 महीने, और फर्स्ट मार्च से फर्स्ट अप्रैल कितने महीने? 3 महीने। तो हमने 3 महीने बाद पैसे लेने, तो अगर आज मैं जनवरी पे हूं तो मुझे फॉरवर्ड कवर 1 महीने का लेना चाहिए, 2 महीने का या 3 महीने का? 3 महीने का। तो मैंने जाके डीलर से कहा मुझे 3 महीने बाद 2 मिलियन टके मिलेंगे, क्या डील करते हो? उसने कहा 49 में खरीदूंगा, 51 में बेचूंगा। तो मैंने कहा यार मुझे 2 मिलियन टके आपको ला के देने हैं, आप मुझसे बाय कर देना, तो कौन सा रेट इस्तेमाल होना चाहिए? पक्का? अच्छा जी, आईफोन समझ आ गया तुम्हें? आईफोन वाले बाबा, अच्छा जी, अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, तुम्हें सीए पानी का दे रहा हूँ, ठीक है? आओ मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज मैं आपको आज बता देता हूँ, थोड़ा सा रोना धोना करोगे तुम लोग, लेकिन पेपर में सुकून से पेपर दे के इनशाला ठंडे हो गया होगे कि यार बहुत अच्छा पेपर चला गया सर, अभी तुम लोग जो है वो रोने चलते रहेंगे। हाँ सर, ऐसे ही पेपर देकर आए और फेल हो गए हैं।
अगर किसी बंदे को ये मसला है ना, उसको अपने फेल होने का रीजन नहीं पता, आप यकीन करो इससे बड़ा मसला इस प्रोफेशन में नहीं। ये कौन है? हैं? नहीं नहीं हमारे बच्चे की आवाज ऐसी नहीं है, हमें हमें पता है ना, ऐसे बिल्लियों की तरह थोड़ी रोते हैं। इंसान के बच्चे बनो। चलो जी यहां देख लो दोस्त, कॉस्ट पहले पड़ी हुई है, कॉस्ट के साथ एमएफए। अच्छा देखो मैं एक बात बताता हूँ, आप जिस बंदे को, मैं इस टीचिंग प्रोफेशन में ना, मुझे बाज अवकात लोगों की चीजें सुन के ना इंतहाई अफसोस होता है कि एटलीस्ट इस नोबल प्रोफेशन में मैं इस इतना तो ऑनेस्ट रहना चाहिए कि एक बच्चा अगर आपसे मशवरा लेने आए तो आप उसको सही मशवरा दो। बहुत सारे बच्चों ने मशवरा लिया कि भाई हम क्लासेस लें फलां सब्जेक्ट की, मैंने कहा नहीं जरूरत नहीं लूं, लाजिम नहीं लेने क्लासेस लेना, लाजिम है कि जी हमने क्लास ले के जो है पास होना, इसके बगैर हम नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। एक उस्ताद को मैंने ये कहते हुए सुना कि जी एमएफए के लिए कॉस्टिंग की नॉलेज चाहिए नहीं है, और उसके दो मिनट बाद उन्होंने टॉपिक शुरू किया बजटिंग का, और मैं हैरान हूं कि यार इसके बगैर वो कैसे बजटिंग पढ़ा रहा, बच्चे को पता ही नहीं है डायरेक्ट मटेरियल क्या है, बच्चे को पता ही नहीं है ओवरहेड क्या है, तो भी कॉस्टिंग के लिए इतनी बेसिक एमएफए के लिए नॉलेज आपको चाहिए होती है कि आपको ये पता होगा जी डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, ठीक है जी बजट बनाते हुए सेल्स किस तरह निकालनी है, ये सारी बेसिक चीजें उसको आती है, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है, ब्रेक इवन क्या है, बस बाकी चीजें ऐसी हैं आप कवर कर लोगे, ठीक है कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन इस हद तक आपको नॉलेज चाहिए। और जब ये सीक्वेंस डाल लेते हैं ना सब्जेक्ट्स की, कि पहले कौन सा सब्जेक्ट देना है फिर कौन सा सब्जेक्ट देना है, तो इसके अंदर पहले ये सोचा था जो FAR 1 देगा FAR 2 उसके बाद दे, सेकेंड अटेम्प्ट में जो बंदा कॉस्टिंग दे रहा है वो MFA उसके बाद दे, जो बंदा लॉ दे रहा है कंपनी लॉ दे रहा है, मर्केंटाइल लॉ दे रहा है तो कंपनी लॉ दे उसके बाद, ठीक है जी। टैक्स का किसी से कनेक्शन नहीं, ऑडिट सबसे आखिर में इसलिए रखा था कि ऑडिट के अंदर रिपोर्टिंग भी आती है, ऑडिट के अंदर जो है वो टैक्स से रिलेटेड चीजें भी आती हैं, तो रिपोर्ट ऑडिट को सबसे आखिर में रखो। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं यार, मैंने चलो खैर है कोई मसला नहीं अमीर हमजा, चले आगे बढ़े हम दोस्त। सर आए जरा, ये एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, बोर्ड पे देखो इस तरह का मैं सवाल भी आपको करा दिया, ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ी अंग्रेजी भरी हुई है इसके अंदर, बोर्ड पे देखो क्या कह रहा है। ABC लिमिटेड इंपोर्ट्स गैजेट्स फ्रॉम UK एंड सप्लाइज टू बांग्लादेश, ठीक है जी। द ऑर्डर इज रिसीव्ड 1 month आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्डर, इसका क्या मतलब, अंग्रेजी बड़ी टाइट लिखी है। सर ऑर्डर रिसीव होता है 1 महीने बाद ऑर्डर प्लेस करने के, ठीक है जी। द गैजेट्स आर डिलीवर्ड टू द एजेंट ऑफ अ बांग्लादेशी कंपनी इमीडिएटली, जैसी रिसीव होता है हम उसको शेल्फ में नहीं रखते, क्या करते हैं इमीडिएटली दे देते हैं। पेमेंट्स टू UK सप्लायर इज मेड 1 month आफ्टर द रिसीट ऑफ गुड्स, इसका मतलब है सर हमें जी ये बुक का पेज नंबर नहीं है, अपना बनाया हुआ सवाल। अच्छा भाई मेरे साथ एक प्रॉब्लम रहेगी एंड यू हैव टू लिव विद इट, ठीक है। मैं घर जाऊंगा, मुझे लगेगा आज मुझे ये सवाल बना के आपको देना चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, मुझे क्लास में से फील हुआ कि बच्चे जो है वो कंफर्टेबल नहीं थे, मैं उस पर 2 सवाल बनाऊंगा आपको दे दूंगा। मैं प्रोग्राम नहीं चल सकता, मुझे नहीं पता कि यार आप लोगों के एक टॉपिक के अंदर कितनी चीजें समझ आती है कितनी नहीं आती है, मैं एज अ टीचर जज करूंगा। जैसे मुझे आज फील हुआ कि यार आपको घर जाने के बाद एटलीस्ट 2 से 3 सवाल फॉरवर्ड पे मिलने चाहिए ताकि आप घर जाके इसको पक्का कर लो, ठीक है जी। और कभी मुझे लगे कि नहीं यार ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझ आ गया, इसको कोई एक आध छोटा सवाल भी दे दिया तो रिकॉल हो जाएगा, तो मैं अपनी किताब फॉलो करूंगा, लेकिन मैं अपनी किताब ही फॉलो नहीं करूंगा, ये याद रखना। मैं चीजें दूंगा और उस पर कोई मुझसे झगड़ा नहीं करना, अदरवाइज मैं फिर एक मशीन बन जाऊंगा कि जो किताब में लिखा है उसी सीक्वेंस में लेके चलता रहूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। और मेरा शायद मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बुराई भी यही है और सबसे बड़ी अच्छाई भी यही है, ठीक है जी। आप मेरे 2 बैचेस के लेक्चर्स कंपेयर करोगे आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा, और ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा है ताकि कोई चोरी करे तो उसको फायदा नहीं हो, आगे आ जाए। अब बताए सर हमने पेमेंट करनी है कब, 1 महीने बाद रिसीट ऑफ गुड्स, इसका मतलब ये है कि आप पहले ऑर्डर दो, 1 महीने में सामान है और पैसे उसके 1 महीने बाद है, लेकिन सामान आते ही हम क्या करेंगे, पोर्ट टू पोर्ट हम ट्रांसफर कर देंगे, रखेंगे नहीं अपने पास, ऐसा
ये कह रहे जी रिसीवेबल्स आर कलेक्टेड फ्रॉम बांग्लादेशी कंपनी 2 months आफ्टर द डिलीवरी टू एजेंट। अब आप हमेशा ना टाइमलाइन बना लिया लो, ठीक है जी। एबीसी लिमिटेड प्लेस फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द ईयर ऑन 1st March, हमने ऑर्डर ही कब प्लेस किया 1st March, अभी लोग आश्रय में थे 1st January आएगा, नहीं आया, ठीक है जी। सप्लायर को और हमने सर जो स्टेप्स थे वो एज पर एसओपी लिया, एसओपी का मतलब जो हमारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं कि पहले हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, 1 महीने बाद सामान आएगा और सामान हम फौरन फौरन जो है वो बांग्लादेशी बंदे को दे देंगे। हमने अपने सप्लायर को सामान रिसीव होने के 1 महीने बाद पैसे देने और बांग्लादेशी कस्टमर से सामान डिलीवर होने के बाद 2 महीने बाद पैसे आएंगे। सर ऑर्डर की वैल्यू कितनी है 45,000 GBP, बांग्लादेशी कंपनी को कितने में बेचा हमने 4 million टको में, ये रेट्स हैं। द कंपनी विशेस टू हेज द पोजीशन विद फॉरवर्ड कवर, ठीक है जी। रेट्स ऑफ स्पॉट एंड फॉरवर्ड कवर एज अंडर। अब सर सवाल आपको ये मैंने यहां से यहां तक दे दिया है, आप इसको खुद अटेम्प्ट करो और मुझे बताओ सर कंपनी को इस पूरी डील पे कितने का प्रॉफिट हुआ है? नहीं देख रहा, बड़ा करते रुको इसको। दे रहा हूं, नहीं लॉस नहीं है, है? 3.6 है। इतना रख दूं सवाल को? यार आप लोग किस ग्रुप में हो? G1 में हो? मैं करा दूं? अच्छा बोर्ड पे देखो, मैं इसको करवा रहा हूं। सबसे पहले तो एक टाइमलाइन बना लेते हैं, सर बोर्ड पे देखना मेरे बच्चों। सर टुडे इज 1st March, सर यहां मेरे पास ऑर्डर दिया, मैंने ऑर्डर प्लेस्ड ऐसा। फिर मेरे बच्चों मेरे पास 1 महीने बाद सर मेरे पास गुड्स रिसीव हो गई। जब गुड्स रिसीव हुई तो मैंने कहा कि जी गुड्स डिलीवर भी कर देते हैं, यही गुड्स डिलीवर भी हो गई। इसी डेट पे गुड्स रिसीव भी हुई और गुड्स डिलीवर भी हो गई। फिर सर मेरे पास 1 महीने बाद यानी 1st May को मैंने पेमेंट करनी है, यहां मैंने पेमेंट करनी है सर, पेमेंट इन GBP ऐसा। और सर मेरे पास 1st June को सर मुझे पैसा रिसीव होगा, कैश या जो भी है फॉरेन करेंसी रिसीट्स। यहाँ पेमेंट करनी है आपने, आप यहाँ पर हो, कितने फासले पे हो आप? 2 महीने के। तो हमें फॉरवर्ड लेना चाहिए कितने का? 2 months का। और सर अगर हम यहाँ पर हैं और हमें रिसीट्स यहाँ होनी है तो हमें 3 months का फॉरवर्ड लेना चाहिए, पक्का? बड़ो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम कर रहे हैं सर सेल्स। अच्छा सेल्स का मतलब क्या जी? हमें पैसे रिसीव होने, पैसे रिसीव कब होने और कितने होने? 4 million बांग्लादेशी टके मल्टीप्लाई बाय 3 months फॉरवर्ड। सर 3 months फॉरवर्ड हमें बांग्लादेशी टके रिसीव होंगे। रिसीट इज कनेक्टेड विद, सही रेट पे किया मैंने, क्या आता है 14.48 प्यारे बच्चों, ऐसा ही है। अब बता सेल के बाद सर मेरे पास 70,000 45 सॉरी
बस वो मैं चेक कर रहा था, तुम लोग जाग रहे हो नहीं। अच्छा जी, हर कोई ऐसे बोलता है, कितने बंदे तेरे साथ काम करके भूल गए हैं अच्छा, 2 महीने बाद का आपने फॉरवर्ड लेना है, लेकिन ये फॉरवर्ड आपने पेमेंट के लिए लेना है। तो पेमेंट इज कनेक्टेड विद, अच्छा कैसे सेलिंग रेट से कनेक्टेड है भैया? पेमेंट, पेमेंट सेलिंग रेट से कैसे कनेक्टेड है? हमें डॉलर पे करना है तो खरीदेंगे, हम खरीदेंगे तो डीलर बेचेगा। वेरी गुड सर, अब इस बच्चे से कभी भूलेगा नहीं, ठीक है ना? तो पसीने आ गए थे ना उसे, पसीने। हाँ जी, कितने जी, कितना आ रहा? 4.49। हाँ जी, ₹10,000 का लॉस है, तो ये 1,25,000 का प्रॉफिट किसका आ रहा था? हैं? उसमें क्या रेट गलत ले लिया था? हाँ, तो डिलीवरी तो तुम्हें मिलेगी कब? गुड्स मिलने का है 1 महीने बाद जब डिलीवर हो जाए। यूके में मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा तो ऐसे तो नहीं होगा अस्सलाम वालेकुम यूके में बैठे हुए चाचा सामान भेज दो, कहेगा गेट खोलो सामान मौजूद है, ऐसा तो नहीं होगा ना? महीना लगेगा ना सामान, और उसके बाद पेमेंट भी आपने 1 महीने बाद करनी, ये मिस कर देना। चलो खैर, चलो जी तैयार हो गए बच्चों, फॉरवर्ड कर लोगे हिसाब किताब, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। आज के बाद आपकी क्लास हुआ करेगी 2 घंटे की, मेरी बात तो सुनो। अब मेरी बात सुन लो सुकून से, देखो मेरी बात सुनो, सुनो आपके लिए एक पेपर है, मेरे लिए ये 2,000 स्टूडेंट्स हैं, सो करंटली एमएफए में 1,600 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, तो और कैलकुलेटर निकाल के पैसे कैलकुलेट करो 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 हैं, तो पैसे कैलकुलेट करा, तो आपके लिए शायद कोई 10-5% का लीनियंसी हो कि यार शायद चलो कोई मसला नहीं, हल्का रखते, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता है, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, मतलब दिस इज शिट लोड्स ऑफ मनी, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता कि इसमें मैं एक रत्ती बराबर का भी चीज छोड़ू। मैं काम करूंगा क्लास में, मैं घर पे भी काम करूंगा, आपके अच्छे भी करेंगे मेरे साथ, ठीक है जी? और कोई पेपर पास हो ना हो, ये वाला जरूर होना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम देखते हैं फिर ऑफ। छोड़ दे बकरा, रुक जाओ 2 मिनट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या हम बांग्लादेश के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आज से काउंट करें या जिस दिन सेल हो जाए उस दिन से? देखो वो चूंकि आपको कह रहा है कि सारी चीजें सर्टन है तो आप आज से काउंट कर लें। अच्छा अगर ये नहीं पता होता कि हम बांग्लादेशी कंपनी को किस डेट पे बेचेंगे फिर प्रॉब्लम होती, लेकिन आमतौर पर सर जो डीलिंग होती है ना वो बड़ी सेटल्ड डील होती है। जब आप एक मुल्क से चीज खरीद रहे हैं तो लेके इसीलिए आते हो कि आपके पास एक ऑर्डर ऑलरेडी मौजूद होता है, फिर आप उसके अकॉर्डिंगली उसको डिलीवर भी कर दे, ठीक है ना? तो आपको आज से ही फॉरवर्ड कवर ले लेना चाहिए। हाँ अगर वो ये कहता कि खरीदने के बाद हम अपना कस्टमर ढूंढेंगे, तो फिर सर कस्टमर के चूंकि पैसे ही अनसर्टेन है तो मैं फॉरवर्ड कवर कैसे ले सकता हूँ, ऐसा? अच्छा बोर्ड में देखना एक छोटी सी चीज और फिर उसके बारे में क्लास ऑफ करें, ठीक है? गौर से देखना प्यारे भाई, बिल्कुल चुप हो जाओ, ठीक है? सर हमारी खाला है, उन्होंने कहा मैं बेटा आपको $5,000 भेज रही हूँ, ठीक है जी? ये खाला है, बिल्कुल चुप हो जाओ, ये खाला की बेटी है, ठीक है जी? और सुनो, $5,000 खाला ने कहा मैं आपको भेज रही हूँ बेटा 1 महीने बाद, ठीक है जी? और बोला वो जल्दी जल्दी क्वालिफाई हो जाओ ताकि आपकी शादी करा दी जाए। खाला ने $5,000 का आसरा देते हुए आपसे एक आसरा एक्सपेक्ट किया, ठीक है जी? गौर से सुनो, और ये सारी बात हो रही है 1 जनवरी 2022 की शाम। बेटा बिल्कुल चुप हो जाओ, ठीक है जी? आपने कहा खाला पैसे कब भेज रही हैं? खाला ने कहा बेटा पैसे 1 फरवरी को भेजूंगी,
ठीक है जी, तुम्हारे खालू की सैलरी आ जाए तो ठीक है जी, फर्स्ट फेब को पैसे रिसीव होंगे। गौर से देखना मेरे बच्चों, गौर से छोड़ो सारी चीजें। हम गए डीलर के पास, हमने कहा डीलर पैसा आने वाला है, खाला हमें भेज रही है डॉलर्स, 1 महीने बाद भेजने वाली है। डीलर भाई डील करें, फॉरवर्ड कवर चाहिए, मुझे टेंशन मंगता ही नहीं है। डीलर ने कहा जी फॉरवर्ड पे डॉलर आपको पड़ेगा 280, 285 पर यूएस डॉलर। अब बताओ कौन सा रेट लूँ इसमें से, 280। क्यों? क्योंकि हमें डॉलर मिलने वाले, मिलेंगे तो हम डीलर को लाके देंगे और 280 रुपए डीलर से पर डॉलर के हिसाब से ले जाएंगे। गौर से सुनना, फर्स्ट फेब को हमारे पास खाला का फोन आया। हमने कहा खाला फोन आ रहा है, पैसे नहीं आ रहे, ठीक है खालू मर गया, सलील आ रहा है। तो खाला ने कहा भाई मसला ये कि, गौर सुनना, खाला ने कहा भाई पैसे नहीं भेज रही बेटा, ठीक है जी पैसे इसलिए नहीं भेज रही कि हमें पता चला कि तुम एक इंतहाई आवारा गर्द और फजूल इंसान हो, ठीक है जी। तो सुना है कि सीए भी कर रहे हो, तो सीए तो होना नहीं है तुमसे, ठीक है जी, तो हम अपनी बेटी नहीं दे रहे। हाँ हमने कहा रखो अपने पास, 5,000 भेज दो बस। तो खाला ने कहा 5,000 भी नहीं आ रहे हैं, अब हम फंसे हुए। गौर तो सुनना, हमने डीलर से वादा किया है, हम क्या लेकर आ रहे हैं, 5,000 डॉलर लेकर आ रहे हैं, और 5,000 डॉलर हम आप पे बेचेंगे कितने में, 280 का। अब यहाँ व्हाट्सएप पर हम फारिग हुए, वहां डीलर से फोन आना शुरू हो गया, आओ बाबू आओ जल्दी आओ डॉलर लेके, ठीक है जी 280 रुपये में तुमने कहा था कि डॉलर ला के दोगे हमें। और तो सुनना, अच्छे तरीके से सुनना मेरे बच्चों, सर डॉलर मार्केट में, करंट मार्केट स्पॉट पे, आज स्पॉट किस डेट का, फर्स्ट फेब का स्पॉट रेट हो चुका है 305, 310 पर। अब डॉलर डीलर कह रहे लेके आओ, 280 में डील हुई थी। हम कह रहे यार वो खाला ने मना कर दिया, तुम्हारी भी ऐसी की तैसी, तुम्हारी खाला की भी ऐसी की तैसी, मैंने यार दिलाया उनकी बेटी भी है, उनका उसकी भी ऐसी की तैसी है, डॉलर ले गया। अब बताओ हम डॉलर लेके कैसे हैं, हमें तो डॉलर मिले ही नहीं, अब क्या करें। नहीं, सुनो अब हम इस डील को करेंगे क्लोज आउट। क्या करेंगे? अच्छा क्लोज आउट करने के लिए आपको डीलर को लाजमी डॉलर ला के देने। अब डॉलर है नहीं, क्या करें? अब हम गए मार्केट से डॉलर खरीद रहे। बताओ मैं मार्केट से इस डीलर को डॉलर खरीद के दूंगा, खरीदूंगा कितने में? सर 310 में। क्यों? क्योंकि जब आप खरीदोगे तो मार्केट आपको बेचेगी। अब बताओ मैंने डॉलर खरीदे कितने? 5,000 × 310 कितने? 1 पॉइंट, ये हमने पैसे दिए और ये एक डीलर से डॉलर लेके हम पहुंचे दूसरे डीलर के पास, उसको हमने दे दिए डॉलर कितने में? 5,000 × 280 कितने पैसे मिले? 1 पॉइंट कितने हो गए जी? 1.5 लाख का, इसको हम कहेंगे लॉस ऑन। अब सुनो सुनो सुनो, मुझे बताएं फॉरवर्ड कवर की डील को क्लोज आउट कब करते हैं? जब ट्रांजैक्शन मटेरियलाइज ना, जब हमें जो डॉलर्स मिलने थे या जीबीपीज मिलने थे या टके और रियाल मिलने थे, दरम मिलने थे, वो ना मिले, तो ये नहीं होगा कि हम डीलर को फोन करें, वो भाई नहीं दे रही है खाला पैसे तो हम नहीं आ रहे, वो कहेगा ऐसी की तैसी तुम्हारी, पहुंचो इधर नहीं तो हम पहुंच रहे तुम्हारे पास। और याद रखो जब भी क्लोज आउट होगा हमेशा ऑपोजिट रेट पे होगा। आपने देखा हमने डील किस पे की थी? बाइंग रेट पे। क्लोज आउट किस पे किया? सेलिंग रेट पे। ऐसा आपने डॉलर बाय किए थे, सॉरी डॉलर आपने ला के देने थे 280 रुपए में, बाइंग रेट पे नहीं मिला आपको डॉलर्स, अब आपको मार्केट से खरीद के डॉलर्स देने। तो एक निशानी याद रखना कि जिस रेट पे डीलिंग होती है क्लोज आउट हमेशा उसके ऑपोजिट रेट पे होता है। सुनो 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 सुनो, तसल्ली से सुनो, कल की क्लास में हम ये देखेंगे कि आधी डील हुई आधी नहीं हुई, ठीक है जी। कल की क्लास में हम ये भी देखेंगे, ये
पैसे आने की जगह पैसे जाने हो, आपको किसी को पेमेंट करनी हो और गवर्नमेंट पाबंदी लगा दे कि जी डील ही नहीं होनी, तो आप किसी को पे ही नहीं कर पा रहे हो। तो जब पे नहीं कर पा रहे हो तो डील आपको क्या करना पड़ेगी, क्लोज आउट करना पड़ेगी। तो फॉरवर्ड की डील आप क्या करते हो जनाब, क्लोज आउट करते हो। मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों? क्या मेरी आवाज आ रही है? चलो जी आप बताओ मेरे प्यारे बच्चों, हमने डॉलर ला के बेचने थे 280 रुपए के रेट में, नहीं मिले, क्या करेंगे हम? अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है हम इस डीलर के पास आए और डीलर कहे मुझसे डॉलर लेके मुझे ही बेच दो, पहले मुझसे डॉलर लो 310 में, फिर वो मुझे 280 में बेच दो। ऐसा है या नहीं है? ये बात भेजे में बैठी, मुझे बताओ एक ऐसी डील जो कि मटीरियलाइज हो रही वाकई पैसे आने, तो क्या हम उसको क्लोज आउट करते हैं? नहीं, क्लोज आउट किस डील को किया जाता है सर? जहां पर आपकी ट्रांजैक्शन एक्सपेक्टेड हो के फॉरेन करेंसी मिलने वाली है और ना मिले तो फिर आपको फॉरेन करेंसी क्रिएट करना पड़ती है, मार्केट से खरीदनी पड़ती है। कर लोगे इसको? सर इसको यहीं तक रखें, अगली क्लास में यहां से आगे जाते हैं। हमारी क्लास थी कितने बजे तक वैसे? इस्लामाबाद में हमारी किताब यार पता नहीं कोई वहां पर है, 2-3 किताबों की दुकानें वहां से मिल जाएगी। वहीद वाले को नहीं तो फोन कर दो, वहीद बुक वाले ना उसको फोन कर दो।